खबर यूपी के चंदौली से है, जहां भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर मुगल सराय में अस्थायी सब्जी मंडी की मांग को लेकर चल रहे फल सब्जी व्यवसायियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के तीसरे दिन आज भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ने शिरकत किया तथा अपने विवादित बयानों के चर्चित जानने वाले ओम प्रकाश राजभर आज एक बार फिर मीडिया के सामने वैज्ञानिक बन गए। उन्होंने दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताते हुए कहा कि इन तीनों को मिलाकर हम परमाणु बम बनाएंगे और उसका प्रयोग 2022 के चुनाव में करेंगे। साथ ही सत्ताधारी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए भाजपा को कोरोना वायरस से भी खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में विगत 3 दिनों से फल सब्जी व्यवसायी अस्थायी सब्जी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। एक तरफ कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए सरकार तमाम गाइडलाइन जारी कर रही है, भीड़ से बचने की बात भी कर रही है, वहीं इन सब से बेकार सैकड़ों की तादाद में धरना स्थल पर सभा कर रहे सब्जी व्यवसायियों को आज ओम प्रकाश राजभर का साथ मिल गया और इस दौरान वे कटाक्ष करने में भी नहीं चुके। ब्यूरो रिपोर्ट, शमशेर चौधरी। कोरोना जो महामारी घोषित कर दिया गया है, अभी आप कह रहे थे कि भाजपा क्या है, उससे बड़ा कोरोना से ज्यादा खतरनाक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्यों? देश अब आप देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, 28 विभाग बेच दिया, पूरे देश को बेचने जा रहे हैं। जब ये पूरे देश को प्राइवेट में दे देंगे तो क्या